स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज जो है जैव प्रक्रम का टॉपिक को समझेंगे। इसमें क्या होता है, पोषण है, श्वसन है, पोषण के बारे में सबसे पहले समझेंगे। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और कोशिश करिएगा लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद से आप नोट्स बनाइएगा, उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करिएगा, आपका इसमें से पोषण से कभी भी डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले क्या होता है, क्रिया होती है, कौन कौन सी, अपचायी क्रिया यानी कि एनाबोलिक क्रिया, ठीक है। और एक होता है अपचायी, एक उपचायी, एक अपचायी। उपचायी क्रिया क्या होती है, जैसे कि उपचायी का मतलब क्या हो गया, जो कि अकार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण ये क्या उपचायी क्रिया है, क्या है उपचायी क्रिया है। आप ही बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जो कि प्रकाश से और जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन तैयार करता है, ठीक है। जैसे पेड़ भोजन कैसे तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो क्या, कौन सा प्रोसेस कहलाती, क्रिया कहलाती है, उपचायी क्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि जटिल सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में कन्वर्ट करता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचायी क्रिया कहते हैं। क्लियर है, ध्यान समझिएगा, एनाबोलिक रिएक्शन। अब देखिए, अब क्या होता है, अपचायी क्रिया। अपचायी क्रिया क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है, अपचायी क्रिया होता है, ठीक है। अपचायी क्रिया में मान लीजिए हम लोग का खाना हो गया, सांस लेना, सांस लेना कितना जटिल कार्य है, सांस लेना समझिए, सांस लिए उसके बाद से उसमें से ऑक्सीजन अलग जाएगा, नाइट्रोजन का क्या कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए सांस लेते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन 78% है, नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितना है, 78% है, ऑक्सीजन है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका मान लीजिए कि मान कर लीजिए 0.3% है, ठीक है। अब क्या होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है इसका कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे नाइट्रोजन जाता है तैसे नाइट्रोजन बाहर आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन तो उतना बाहर आता नहीं है। अब बाहर आने की जो प्रक्रिया है तो 78% नाइट्रोजन गया, 78% बाहर आ गया। अभी देखिए जो अपचायी अभिक्रिया है क्यों जटिल होता है इसको समझना है, ठीक है। 21% जाता है, 17% बाहर आता है, 4% कहाँ चला जाता है, मान लीजिए कि बॉडी में पूरा शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है तो जाने के बाद क्या होता है, जैसे जाएगा वैसे थकेगा, थकेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर वो कहाँ पर आएगा, हमारे हृदय में, क्या नाम है, हमारे फेफड़े में आएगा। फेफड़े में आने के बाद एक होता है वायु कोष्ठक, वहाँ पर आएगा, वहाँ से ठीक से उसके बाद से बाहर चला आता है मुँह और नाक के रास्ते, ठीक है। वो सब क्या है, क्रिया है, क्लियर है। और इसीलिए इसको कहा गया अपचायी क्रिया। जैसे भोजन है, भोजन को पचना कितना कठिन काम है, खाना खाइए, बनाइए, खाइए, उसके बाद से हो जाएगा, मुंह में जाएगा, फिर मुंह से कूचेंगे, दांत से कूचेंगे, लार के द्वारा कूच काच के उसको फिर गोल करके घोटेंगे, घोटने के बाद जो फूड पाइप है, फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप के बाद से आपका स्टमक में जाएगा, अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर जाके बाहर आए। कहने का मतलब क्या है कि ये भी क्या है, क्या है, एक तरह का जटिल प्रक्रिया है। इसलिए कहा गया जटिल प्रक्रिया से सरल प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचायी क्रिया कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं पोषण पे, ठीक है। पोषण पढ़ लेंगे, उसके बाद से श्वसन पढ़ेंगे, पहले पोषण को समझते हैं है क्या। क्लियर है, आप समझ गए, उपचायी समझ गए, अपचायी समझ गए, क्लियर है। और पोषण को आइए समझते हैं। देखिए पोषण क्या होता है, इसमें भी एक डिफिनीशन की तरफ क्या हो जाएगा, जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ है उसको, जैसे कि मान ली खा रहे हैं, जैसे कि पेड़ है, पेड़ का क्या होगा, पेड़ भी अपना जो है भोजन कैसे बनाता है, सूर्य के किरण लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जल लेगा। अब कहेंगे कि जल कैसे लेगा, क्या करेगा, जल देने जाएंगे आप, नहीं, जल को देने कहाँ से जाएंगे। जैसे जल होता है एक, उसमें जाइलम होता है, जैसे कि आपको मुंह में डाले हैं, पेट में चला जाता है पाइप के द्वारा, पाइप है ना जी, उसमें चला जाता है, एक सांस का पाइप है और एक फूड का, खाने का पाइप है। सांस वाला पाइप में जब पानी जाने लगता है, हुचकी आने लगती है, क्या आने लगती है, हुचकी आने लगती है, सरकने लगता है, उसी को धक्का देने लगता है फेफड़ा, ये क्या आ रहा है, बाहर करो बाहर करो, तो हवा नहीं है, क्लियर है, हवा नहीं है, बाहर करो, तो उसको बाहर करने के चक्कर में हुचकी आने लगेगी, सरकने लगेगा, उसी को कहते हैं कि सरकना है, याद वाद कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो क्या है आपका आ गया, तो पोषण में क्या होता है कि खाना जब आप खाए, ठीक है, खाना खाए, चाहे पेड़ खाना खाया, पेड़ कैसे खाएगा, अब खिलाने तो जाते नहीं, लिखा ले नहीं, ऐसा तो है नहीं, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जाइलम से जल जाता है और सूर्य के उपस्थिति में सूर्य के किरण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी पर्णरहित की उपस्थिति में क्या होता है कि खाना उसका तैयार होता है, ग्लूकोज उसका तैयार होता है। टारगेट क्या है, ग्लूकोज तैयार करना, ठीक है, वो हो गया, वो इसी को पोषण कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग का है,
हम लोग का क्या है कि खाना खाए तो हम लोग न्यूट्रिशन लिए, रोटी सब्जी खाए, दाल भात खाए, दूध पिए, जो किए, उसके बाद क्या है, उससे खाने के बाद क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। वो एनर्जी जाके कहाँ स्टोर होगा? सेल में कहाँ पे? माइटोकांड्रिया के पास। ठीक है, तो ये चीज़ है, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्लियर है, इसको समझ में आ गया। अब पोषण का क्या होता है? प्रकार होते हैं। ठीक है, पोषण का प्रकार होता है। पोषण का प्रकार क्या क्या होता है समझिए। सबसे पहले स्वपोषण। स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब कि ऑटो है वो, उसको कोई खिलाने वाला नहीं है। स्वपोषण सीधा समझिए, स्वपोषण है यानी कि ऑटोट्रॉपिक है। उसके पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि जाके लब उखाला, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि वो स्वपोषण है, यानी कि वो अपने आप देख लेगा, सब कर लेगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे पेड़ है, प्लांट है, कोई भी प्लांट है, अब क्या करते हैं, कहते हैं बना के देते हैं लो खा लो, नहीं ना, तो क्या करता है, अपना जो सूर्य का किरण आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसके बाद से जल लिया, उसके बाद से उसे क्या किया, खाना बनाया, तो क्या हो गया, स्वपोषण हो गया। ठीक, आप समझेंगे इसको प्लांट से, पौधे से, पेड़ आपके सामने होगा वो क्या है, स्वपोषण है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर है, अब देखिए, अब नाम आता है विषम पोषण का। किसा? विषम पोषी। विषम पोषी क्या होता है समझिए, यानी कि इसमें क्या होता है, विषम पोषी में, इसमें जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो तीन प्रकार के होते हैं, प्राणी संभोजी और परजीवी और मृत परजीवी। ठीक है, तो प्राणी संभोजी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ठोस पदार्थ का ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसके बाद से उसको खाया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया कि मान लीजिए कि हम लोग हैं प्राणी संभोजी हैं, क्या है, प्राणी संभोजी हैं। ठीक, जटिल पदार्थ को खाने के बाद जो है पचाते हैं, चाहते हैं, ये सब क्रिया होती है। ठीक है, ये क्या होता है, प्राणी सम भोजी में इंसान आ जाता है। क्लियर है, इसमें और इसमें क्या होता है, परजीवी में, परजीवी कुछ सिंपल ही है, परजीवी मतलब समझ, जो सिर में ढील पड़ा हुआ है, ढील होता है ना, अच्छा मच्छर हो गया, मच्छर काटेगा आपको लेकिन आप मरेंगे नहीं, मच्छर काटेगा लेकिन आप मरेंगे नहीं, वो अपना खाना भी खा लेगा और आपको कुछ होगा भी नहीं। यानी परजीवी उसे कहते हैं जो आपका नुकसान पहुँचाए, आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचे, आपको पता नहीं चलेगा, उसको परजीवी कहते हैं। क्या? परजीवी। क्लियर है, सबसे बढ़िया यहाँ पर ढील हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या है, परजीवी है। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो गया, अगर किसी वस्तु को बिना नुकसान, बिना मारे अपना भोजन ग्रहण कर ले, उसे परजीवी कहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे कि मच्छर हो गया और ये हो गया आपका, ठीक, ढील हो गया। ठीक है, अब देखिए मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मरा हुआ कोई चीज़ है, उससे भोजन को प्राप्त करना, मरे हुए चीज़ से भोजन को प्राप्त करना। अब जैसे आप सोचेंगे कि मरे हुए भोजन से कैसे प्राप्त होगा, जैसे कि पेड़ देखे होंगे, पेड़ में कभी कभी वाइट वाइट लग जाता है, कभी कभी लाल लाल लग जाता है। ठीक है, तो देखे होंगे कि उसमें क्या होता है कि जब पेड़ सूख जाता है, सूखने के बाद उसके जड़ पे सफ़ेद सफ़ेद का रंग लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, जैसे कुकुरमुत्ता भी ऐसे ऐसे छाता जैसे बना लेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या है, पेड़ पर लग जाता है। ये जो कवक है, कवक है, इसको फंगस कहते हैं इंग्लिश में, ये क्या करता है, मृतोपजीवी पे काम कर लेता है, अपना खाना बना लेता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ देखे होंगे, सूखा हुआ पेड़ है, जड़ जो होता है नीचे में जड़ होता है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि वो अपना खाना वाना बना बना के जो है कर लेते हैं, मरे हुए से जो भोजन पाए उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए, मैंने क्या बताया था, उपचाई बताया था, उपचाई रिएक्शन क्या होता है, क्रिया क्या होती है, क्या बताया था आपको, सोचिए, उसके बाद से अपचाई बताया था, सोच लिया आपने। देखिए, उपचाई अभिक्रिया उसे कहते हैं जो क्या करता है, सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदल के उसको मतलब पचाता हो जाता है, वो क्या है, उपचाई। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्लांट का भोजन बनना क्या है, उपचाई अभिक्रिया है। उसके बाद क्या आता है, अपचाई। अपचाई क्या होता है, जो जटिल पदार्थ है उसको सरल में क्रमण करना, जैसे कि हम लोग का पाचन है, हम लोग का सांस लेना है, ये सब जटिल प्रक्रिया है, जटिल से सरल होता है। क्लियर है, बहुत सही, ठीक, इसको उसके बाद आता है पोषण। ठीक है, इसमें पोषण क्या है, पोषण को समझने का क्या उपाय है, स्वपोषण विषम पोषण। सबसे पहले पोषण को समझ लीजिए, पोषण है क्या, लेते खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं। क्लियर है, एनर्जी के लिए, पेड़ भी खाना क्यों खाता है, ग्लूकोज बनाता है। देखे होंगे जब पेड़ खाना खाता है तो क्या करता है, CO2 प्लस H2O, ठीक, लेगा और सूर्य की उपस्थिति में क्या करेगा, C6H12O6 लेगा, उसके बाद से प्लस
H2O उसके बाद से ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। क्लियर है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस नहीं करने आता है तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिए, बैलेंसिंग डाले हैं कैसे बैलेंस किया जाता है। क्लियर है, इसको बैलेंस कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है। अब सोचोगे कैसे सर जी लिख दिए हैं, लिखने की क्या, देखो समझो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, ठीक है, ये हवा में घूम रहा था, ले लिया, इसको खींच लिया, उसके बाद से जल गया, जाइलम से गया, जल कैसे गया, जाइलम से गया, जाइलम से जल गया, उसके बाद से सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के किरण की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, पर्ण रहित की उपस्थिति में क्या करेगा, ये खाना बनाएगा। खाना बनाने का मतलब क्या है, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। हम लोग भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रिस चक्र के द्वारा खाना बनाता है, अभी समझाएंगे, ठीक है, उसको समझिएगा। क्लियर है, ये सब क्या होता है, ग्लूकोज आ गया, उसके बाद से क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज है इसको वो आ गया, उसके बाद से इसमें क्या क्या बच गया, जल बच गया, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ऑक्सीजन को जब रिलीज करेगा पेड़, तो क्या करते हैं हम लोग, उससे जीवित है, ऑक्सीजन से क्या है, जीवित है, वही ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग का जो है क्रिया चलती है। क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझिए, आराम समझिए कैसे इसको बताया गया है, इसको इतना आप रिवाइज करिए, बार बार इसको देखिए। क्लियर है, आते हैं श्वसन क्रिया पर। दोस्तों मानव पोषण के बारे में समझना है, ठीक है, क्या हम लोग समझ लिए हैं, पहले क्या समझ लिए, पोषण के बारे में समझ लिए हैं, पोषण कितने प्रकार के भी समझ लिए हैं, ठीक है, अब आते हैं मानव पोषण को समझते हैं, ठीक है। मानव पोषण का क्या होता है समझिए, सबसे पहले क्या होता है, आहार नाल होता है, ठीक है, आहार नाल होता है। आहार नाल का मतलब क्या हो गया, खाना खाएंगे मुंह में, फिर जाएगा धीरे धीरे पेट में, कैसे जाता है, यही है मानव का पोषण। उसी के बारे में हमको समझना है कि जब खाना खाए हैं, कूचे हैं, पेट में कैसे जाता है, कहाँ से पाइप से कैसे कैसे सरक सरक के जाके फिर गप से निकल जाता है, इसको समझना है, क्या है, मानव पोषण, ठीक है। पोषण का मतलब है पचेगा, कैसे पचेगा, कौन सा एंजाइम है, क्या नहीं है, इसको सब कुछ समझते हैं, देखते रहिए, समझिए। मानव पोषण हो गया, उसमें आहार नाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आहार नाल में क्या होता है कि उसमें देखिए आहार नाल स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये मुँह है, रोटी को तूड़े कुछ के डाल लिए, ठीक है, कुछ के नहीं डाल, तूड़ के डाल लिए। तूड़ के डालने के बाद क्या करेंगे आप, उसको कूचेंगे, ऐसे जो खाएंगे, खाने के बाद अब देखते हैं कि लार से गीलो सूखा हुआ रोटी खाते हैं, फिर क्या होता है, गीला हो जाता है, क्या होता है, गीला हो जाता है। तो क्यों गीला हो जाता है, कि जब हम खाना खाते हैं, मान लीजिए हमारा वो है मुँह है, ठीक, ये मुँह है, तो इसमें जब खाना हम खाते हैं, समझिए कि मुँह है, इसमें जब खाना खाते हैं, तो खाना खाए तो इसको जब कूचते हैं, तो यहाँ पर होता है क्या, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथि, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि होता है। ये लार ग्रंथि क्या करता है, लार सिक्रीट करता है, जैसे गोलगप्पा देखते होंगे, गोलगप्पा देखने के बाद मुंह में पानी आ जाता होगा, तो मुंह में पानी कैसे आता है, लार जो है छोड़ देता है लार, तो मुंह में पानी आता है, रुको तनी खा ले, समझ रहे हो, तो ही क्या है, लार ग्रंथि आ जाता है, लार ग्रंथि से लार आ गया, वो क्या कर देता है, रोटी को गीला कर देगा, चाहे चना खाएंगे, चाहे कुछ भी खाएंगे, तो चना तो सूखा खाएंगे, ठीक है, फिर वो गीला होकर गले में फूड पाइप में, ठीक है, चला जाता है। कैसे जाता है, देखिए, जब मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया, उसके बाद से उसको कूचना स्टार्ट किया, कूचने की बाद देखिए दांत से कूचे और जीभ से, टंग से क्या करेंगे, उसको गोल करेंगे, टंग से गोल करेंगे, गप से घोट लेंगे, जब ये गोल करके घोटेंगे, तो ये तो पहले गोल कैसे हुआ, खाने के बाद लार ने सहायता किया गोल करने में, थोड़ा सा उसको गीला किया, गीला करने के बाद आप क्या किए, इसमें खाना खा लिए, खाना घोट लिए, घोटने के बाद ये आपका चला गया किसमें, फूड पाइप में, फूड पाइप में चला गया, फूड पाइप में सरकते हुए जाता है, कैसे जाता है, हुआ है, सरकते हुए जाता है, ठीक है, ठीक आ गया, ठीक है। जीभ से क्या हो गया, गोल हो गया, देखिए दांत से कूच लिए, जीभ से गोल कर दिए, लार ग्रंथि से उसको थोड़ा सा गीला कर लिए, उसको घोट लिए, अब आपका आ गया फूड पाइप में, यानी कि आहार नाल में, ठीक है। अब ये जो है आहार नाल, तो वहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा है, इसमें क्या होता है कि आमाशय होगा, और इसको ग्रसनली ग्रसनल नाली बोला जाता है, फिर अमाशय, देखिए यहाँ लिखा है ग्रसनली, फिर ठीक है, उसके बाद से ग्रासनली, उसके बाद से अमाशय, ग्रसनी है, इसी को ग्रासनली भी इसमें आता है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, अमाशय, क्या है, अमाशय है, क्लियर है, क्या है, अमाशय है, अमाशय में खाना आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, क्लियर है। अब ये जो अमाशय में खाना आ गया, ठीक, अमाशय में खाना आने के बाद क्या होगा, उसमें पचना स्टार्ट होगा, कुछ पचेगा, पूरा तो पचेगा नहीं, 20% 30% 10% पचेगा, उसके बाद जाएगा छोटी आंत में, वो देखिए उसका पचने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसको समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, HCl पाए जाते हैं, क्या, HCl, पेप्सिन, ठीक है, और अलग अलग टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, इस एंजाइम और पेप्सिन
ये सब होता क्या है, समझिए बड़ी डाउट वाला चीज़ होता है। ठीक है, HCl का क्या काम है यहाँ, HCl क्या है, एसिड है। आप पढ़े होंगे एसिड बेस साल्ट, यानी कि अम्ल में पढ़े होंगे, जिसका pH मान क्या होता है 7 से कम होता है वो क्या है, अम्ली है। जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्या है, क्षारी है। और जिसका pH मान 7 होता है वो क्या, उदासीन है। ठीक है, तो वही क्या है HCl, वहीं से है। क्या है HCl, जो है एसिड है। क्या है एसिड है, ये क्या करता है, खाने को गलाने में मदद करेगा। ठीक है, उसको गलाने में पचाने में मदद करता है। जैसे एसिड छिड़क दीजिए, जैसे जैसे कि साफ उफ करना होता है, पक्का उक्का साफ करना होगा, टाइल्स वाइल्स, क्या करते हैं एसिड लाते हैं मार्केट से और क्या करते हैं उस पर रगड़ देते हैं, एकदम साफ चिकन हो जाता है। ठीक है, साफ कर देता है। वैसे ही जो एसिड है HCl है, जो अमाशय में पाया जाता है, ये खाने को गलाने में स्पीड से मदद करेगा। ठीक है, और इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है, पेप्सिन हो गया, ठीक है, और एंजाइम हो गया, इसमें जो इसको प्रोसेस कर देंगे पचाने के लिए। एंजाइम क्या होता है, वो भी क्या करता है, गलाने में मदद करता है। ठीक है, गला के उसमें से एनर्जी जो होगा उसको लेगा, सब कैसे लेगा देखिए, क्लियर है। अभी आपका क्या हो गया, अमाशय हो गया। ठीक है, अमाशय के बारे में आप समझ लिए। अब अमाशय में क्या क्या है इसको अलग से बताया जाएगा, इतना आप समझिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप आ जाए छोटी आंत में, ये क्या है, छोटी आंत है। ठीक है, जब छोटी आंत, छोटी आंत क्यों कहा जाता है समझिए, बड़ी आंत, बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, जबकि लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है, लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है, और बड़ी आंत जो है लंबाई में छोटी होती है, लेकिन बड़ी आंत नाम क्यों दिया गया है आज समझ लीजिए। समझिए, जैसे कलम है, मार्कर है, ये पतला है। ठीक है, ये पतला है और बड़ा है, क्लियर है, तो इसको कहेंगे छोटी आंत। यानी कि मोटाई के आधार पे बताया गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। जैसे मोटा है तो क्या होगा, बड़ी आंत है, लेकिन लंबा नहीं है। मोटा है, छोटा है, तो क्या है, बड़ी आंत है। और पतला है या बहुत लंबा है, वो क्या है, छोटी आंत है। तो क्या समझ में आया कि मोटाई के आधार पर क्या बताया गया, छोटी आंत और बड़ी आंत को निष्कर्ष निकाला गया। यानी कि पतला है तो छोटी आंत है और मोटा है तो बड़ी आंत है। क्लियर है, बहुत सही। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, आपका खाना जो है यहाँ से स्टार्ट किए थे आप, ऐसे ऐसे आते आते अमाशय में आया, अमाशय से कहाँ आया, छोटी आंत में आया, छोटी आंत में आने के बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। और जब बड़ी आंत में जाएगा तो देखिए क्रिया कैसे होगा, छोटी आंत हो गया, अब इसी में क्या होगा, बड़ी आंत ऐसे आके, ऐसे ऐसे आके, ऐसे बड़ी आंत ऐसे आके यहाँ से एनस के द्वारा निकल जाएगा। ठीक है, अब समझिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद बड़ी आंत में पच चोच के आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम फ्रेश नहीं होते, लैट्रिन नहीं जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जाम हो जाता है। ठीक है, ये जाम होने के कारण यहाँ सड़ने लगता है, और सड़ते सड़ते क्या आता है, ये किसका, पाइल्स का, बवासीर का रूप धर लेता है। क्लियर है, ये बवासीर का रूप क्यों धर लेता है, इसका यही कारण कि बड़ी आंत में खाना क्या होता है, पचने के बाद जो होता है वो सड़ जाता है। ठीक है, सड़ने के बाद क्या होता है, ये नहीं आता है, तो यहाँ पे सड़ जाता है, यहाँ पे बीमारी हो जाती है, उसी का नाम होता है बवासीर। ठीक है, यानी कि पाइल्स कहते हैं। क्लियर है, अब समझिए, सुबह सुबह आपको फ्रेश होना हो तो क्या करिए, गर्म पानी पीजिए। ठीक है, गर्म पानी पीने के बाद आप जो सीधे छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम छोड़ता है, थोड़ा सा उसको गीला कर देगा, पट से बाहर आ जाएगा। क्लियर है, इसीलिए सुबह सुबह पानी पीना ही चाहिए। क्लियर है, पेट साफ के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है आपका क्या है, मानव में पोषण है। क्लियर है, अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या क्या है। देखिए इसमें क्या है कि अमाशय के बारे में समझते हैं, उसको पूरा समझ लिए हैं, थोड़ा सा अमाशय को थोड़ा खोल के समझते हैं क्या है अमाशय। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अमाशय के बारे में समझाइए, चित्र बनाइए। ठीक है, इसको देखिए क्या है, अमाशय किसे कहते हैं, अमाशय में क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है, क्या होता है। देखिए इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और इसमें से जठर रस निकलते हैं, क्या निकलते हैं, जठर रस, जैसे वही है, यहाँ से लार निकलता था ना जी, देखते होंगे पानी आ जाता है, गोलगप्पा देख के, चाउमिन बर्गर देख के पानी आ गया, तो क्या है, वैसे ही इसमें क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जैसे यहाँ पे लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो कि क्या आपको निकालती है, जठर रस निकलता है। ठीक है, वो पाचन के लिए सहायक होती है। अब समझिए जठर रस है, अमाशय में है, उसमें क्या क्या पाया जाता है पाचन के लिए, आपको मैंने HCl बताया है, पेप्सिन, लाइपेज, ये सब एंजाइम है सब। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको पचाने में हेल्प करते हैं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, आपको समझाए हैं, समझ आपको आया है। अब समझिए कि जो अमाशय है उसका कितना भाग है, कार्डियक भाग है। क्या है, कार्डियक भाग है। कार्डियक भाग क्या होता है समझिए, कार्डियक भाग में क्या होता है कि जो मान लीजिए कि ये जो पेट है, ये अमाशय है ना जी,
ये क्या है आपका अमाशय है, आपका हमारा सबका अमाशय है, ठीक है। ये जो अमाशय है जे आकार का होता है, ठीक है, जे आकार का होता है, इतना सेंटीमीटर लंबाई में होता है, आप देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, क्या दिमाग में याद रहे ताकि वहाँ पर लिख पाए एग्जाम में। देखिए ये अमाशय है जो इसकी जो ऊपर की भाग है उसको क्या कहते हैं, कार्डियक भाग, यानी कि अमाशय में आने की भाग को, ये वाला भाग को क्या कहेंगे, कार्डियक भाग कहेंगे। कौन सा भाग कहेंगे, कार्डियक भाग कहेंगे, क्लियर है। जो ये जो ग्रसनी है, जो फूड पाइप है जो आ रहा है अमाशय में, ये जो भाग है क्या है, कार्डियक भाग है, क्लियर है। और फंडिक, फंडिक भाग क्या होता है समझिए, फंडिक भाग क्या होता है, जो बीच का भाग है, ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, फंडिक भाग कहते हैं। कौन सा भाग, फंडिक भाग। और ये ऊपर वाला भाग है इसको कौन सा भाग कहते हैं, कार्डियक भाग, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है पाइलोरिक क्या होता है समझिए, नाम तो देखिए पाइलोरिक, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लास्ट वाला भाग है पाइलोरिक, लास्ट वाला जो भाग है पाइलोरिक भाग कहलाता है, ठीक है, जो छोटी आंत में उसके बाद चला जाएगा, क्लियर है, जो छोटी आंत में चला जाएगा वो क्या हो गया, पाइलोरिक भाग हो गया, ठीक है। और जो बचा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, सेसार्ग भाग, मतलब शेष नहीं बचता है, रिमाइंडर जैसे बचता है, जितना रिमाइंडर बचता है इतना बचता है, क्या सेसार्ग भाग हो गया, देखिए, ठीक है। आपसे पूछेगा अमाशय क्या है समझाइए, तब क्या कहेंगे, अमाशय एक जी आकार का होता है, उसमें जो है फूड पाइप से जाके उसमें खाना जाता है, उसके बाद जाने के बाद क्या होता है कि खाने को पचने का प्रोसेस होता है, उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है, ठीक है भाई, वही ना, जैसे लार ग्रंथि में लार रस, लार एंजाइम पाया जाता है, उसी प्रकार जठर में जठर रस पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसको पचाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को इसमें, उसके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद से उसका जो भाग होता है, तीन चार भाग होता है उसको लिख देंगे, आ चित्र बनाना नहीं भूलेंगे, चित्र बना लेंगे, क्लियर है। कार्डियक भाग होता है, फंडिक भाग होता है और पाइलोरिक भाग होता है। कार्डियक भाग का काम क्या है, कार्डियक भाग वो होता है जो कि खुलने का रास्ता देता है, अमाशय के खुलने का रास्ता बताता है, मतलब कि उसमें प्रथम रास्ता है, द्वार है, जैसे असोरा होता है ना, घर असोरा होता है, उसके बाद क्या होता है, आंगना होता है, रूम वूम होता है, वैसे ही क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, असोरा हो गया, उसके बाद आया यहाँ पे, खाना आया, फंडिक भाग में आएगा, उसके बाद से नीचे आएगा पाइलोरिक भाग में, पाइलोरिक भाग में आने के बाद छोटी आंत में आएगा, ठीक है, छोटी आंत में आने के बाद बड़ी आंत में आएगा, छोटी आंत में आने के बाद बड़ी आंत के बाद निकल जाएगा, क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आपको विशेष ध्यान ये देना है कि इसको कैसे आप याद रखें, कार्डियक कफ आर कार्डियक क, ठीक है, फंडिक पाइलोरिक सेसार्ग, ऐसे करके आप दो तीन बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा, क्लियर है। अब आज के लिए इतना बहुत है, इसको देखिए दो तीन बार देखिए, क्लियर है, उसको चित्र बनाइए और चित्र बना के उसको समझिए बार बार, ठीक है, धन्यवाद।